तो सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, 31 दिसंबर 2000 से पहले आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो भारत में शरण लिए हैं, और विशेषकर तीन देश जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसको छोड़कर हमारे देश में शरण लिए हैं, उनका जीवन सामान्य नहीं था और इस कानून के लागू हो जाने से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और जैसे एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जीवन जी रहा है उस तरह से उनको जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे लाखों लोगों के लिए बहुत अच्छा ये हो रहा है सीएए लागू होने से। और सीएए लागू करने के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, एहतियातन कई जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके और जबलपुर के बड़ी ओमती, बेलबाग, रद्दी चौकी सहित मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया, साथ ही साथ जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कहीं ना कहीं टीम की नजर पूरी तरह से रहेगी।